हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की कहानी है दो बहनों की, जिनके स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर है। कहने को तो रोजी उम्र में ऋतु से बड़ी थी, लेकिन आदतों के मामले में ऋतु में समझदारी कहीं ज्यादा थी। दूसरी तरफ रोजी शुरू से ही मस्त मौला थी। घूमना फिरना और मॉडर्न लाइफस्टाइल जीना उसकी पहली पसंद थी। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। अरे माँ, तुम अभी तक काम कर रही हो? जाओ आप थोड़ा आराम कर लो, आज मैं शाम का नाश्ता बनाती हूँ। क्या रितु, तू भी तो कॉलेज से आकर थक गई होगी। नहीं माँ, इतनी देर में बिल्कुल फ्रेश हो गई हूँ। सब दिन तो आप ही नाश्ता बनाती हैं, आज मुझे बनाने दे। रितु, रोजी क्या कर रही है? माँ, दीदी तो टीवी देख रही है। ये लड़की भी ना, हमेशा टीवी और मोबाइल में ही बिजी रहती है। रुक, मैं उसे भेजती हूँ तेरी मदद के लिए। रोजी, ओ रोजी, तेरा टीवी कब बंद होगा? क्या हुआ माँ, क्यों इतना हल्ला कर रही हो? देख रोजी, रिदु नाश्ता बना रही है, जा तू भी उसकी कुछ मदद कर दे। नहीं माँ, ये सब उसे ही करने दे, मुझे इस सब काम में कोई दिलचस्पी नहीं है। ऐसे भी मैं अपने दोस्तों के साथ गोलगप्पे खाने जा रही हूँ, कृपया आप मुझे कुछ पैसे ही दे दे। अच्छा तो तू बाहर जा रही है, तो फिर रितु को भी साथ ले जा। जा रितु से भी पूछ ले चलने के लिए। ठीक है माँ, मैं अभी पूछती हूँ। रितु, तू क्या गोलगप्पे खाना चाहती है? दीदी, क्या तुम बाहर जा रही हो? मैं तो आज चौमिन बना रही थी। जा जल्दी से तैयार हो जा, मेरे दोस्त बस अब आ ही रहे होंगे। क्या दीदी, मैं तो तैयार हूँ, बस जल्दी से हाथ मुँह धो लेती हूँ। क्या तुम इसी कपड़े में बाहर जाओगी? क्या समस्या है दीदी, मेरा सूट तो इतना प्यारा सा है। और मैं तो कहूंगी दीदी तुम अपना कपड़ा चेंज कर लो, मम्मी ने देख लिया ना तो गुस्सा करेंगी। देख रितु, अगर तू सूट पहनकर जाना चाह रही है तो फिर छोड़ दे, मैं तेरे लिए पैक करा कर ले आऊंगी। तुझे तो ड्रेसिंग फैशन का कोई आइडिया ही नहीं है। रोजी के ऐसे बर्ताव से रितु को बहुत दुख होता था, लेकिन फिर भी वह उससे कुछ नहीं कहती थी। दरअसल दोनों बहनों ने अपने पिता को बचपन में ही खो दिया था, तब से इनकी माँ सरला ही सब कुछ संभाल रही थी। फिर एक दिन, अरे भैया आप आइए बैठिए ना। अरे रोजी, मामा जी आए हैं, जल्दी से ठंडा पानी तो लेकर आ। और सुनाइए भैया, क्या हाल है, घर में सब कैसे हैं? हाँ, थोड़ा व्यस्त हो गया था, बस इसलिए तुम्हारा और बच्चियों का हाल नहीं ले पाया। और सुनाओ, सब ठीक तो है ना? जी भैया, सब बढ़िया है। अपनी रितु ने भी इस बार कॉलेज में टॉप किया है। अरे वाह, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। सच में अपने रितु बिटिया का तो कोई जवाब ही नहीं। और अपनी रोजी के क्या हाल है? बस उसका क्या कहूँ भाई, आप तो सब जानते ही हो। अरे इतना परेशान मत हो, अपनी रोजी भी बहुत प्यारी है। वैसे सरला, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। वो मेरे कानपुर वाले दोस्त थे ना, प्रदीप जी। वही ना जो अपनी रूही की शादी में मिले थे, जिनका बेटा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो क्या नाम था उसका, राहुल। हाँ वही है। दरअसल प्रदीप जी का कल मेरे पास फोन आया था, वो हमसे रिश्तेदारी जोड़ना चाह रहे हैं, अपने बेटे को तुम्हारा दामाद बनाना चाहते हैं वो। सरला अपने भाई से आगे कुछ पूछ पाती उससे पहले ही रोजी पानी का ग्लास लेकर आ गई। वह राहुल को जानती थी, उसने बिना कुछ जाने ही ये मान लिया कि ये रिश्ता उसके लिए आया था। नमस्ते मामा जी, आप उन्हीं की बात कर रहे हैं ना, जिनका कानपुर और मुंबई में घर है? हाँ बेटा, असल में प्रदीप जी के बेटे राहुल को अपनी रितु पहली ही नजर में पसंद आ गई थी। प्रदीप जी और भाभी जी को भी अपनी रितु पसंद है। सरला बहुत ही भले लोग हैं, इतना पैसा है पर घमंड नाम की चीज नहीं है, अपनी रितु राज करेगी वहाँ। मामा जी नहीं, आप उन लोगों को मना कर दीजिए, रितु मुझसे छोटी है, उसकी शादी पहले कैसे हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती, अरे इतना अच्छा रिश्ता है, वो भी सामने से आए हैं। भाई हमारी तरफ से तो हाँ समझे। रही बात छोटे बड़े की, तो कोई बात नहीं, हम कोशिश करेंगे कि रितु की शादी से पहले इसके लिए भी कोई अच्छा रिश्ता ढूंढ ले। रोजी अपनी माँ की बात काट तो नहीं सकती थी, लेकिन वह इस बात से बुरी तरह चिढ़ गई थी। रोजी ने कई अड़चने पैदा करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वह रितु का रिश्ता तय होने से नहीं रोक पाई। हालांकि रितु की शादी से पहले रोजी का भी रिश्ता तय हो गया, परिवार यहाँ भी अच्छा था, रुपये पैसे की कोई कमी नहीं थी। बस फर्क ये था कि रोजी का ससुराल पास के एक गांव में था,
दोनों बहनों की शादी खूब धूमधाम से हुई। रोजी अपनी शादी से बिल्कुल खुश नहीं थी। उसका मन गांव में बिल्कुल नहीं लग रहा था। वह अपने पति को शहर जाने के लिए जोर डालती रहती थी, पर उसका पति अपने माँ बाप को छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहता था। रोजी के सास ससुर को शहर की चकाचौंध बिल्कुल पसंद नहीं थी, और उसका पति अतुल अपने माँ बाप का एक लौता पुत्र था। उसने वही गांव में एक बड़ा सा अस्पताल बना लिया था, उसमें वह प्रैक्टिस करता था। और फिर एक दिन, रोजी जब तुम्हें मैं पसंद नहीं था, मेरा घर पसंद नहीं था, तुमने मुझसे शादी क्यों की? गलती हो गई। सच में तुमसे शादी करने से तो अच्छा था कि मैं कुंवारी बैठी रहती। मुझे लगा था कि मैं तुम्हारी सोच बदल लूंगी और फिर हम शहर जाकर रहेंगे, लेकिन नहीं, तुम्हें तो यहीं गांव में अपनी जिंदगी बर्बाद करनी है। शौक से करो, पर मेरे साथ ऐसे नहीं चलेगा, कह देती हूँ। हाँ तो तुम मेरी भी एक बात कान खोल कर सुन लो। मैं अपने माँ बाप को यहाँ अकेला छोड़कर कभी शहर नहीं जाऊँगा, चाहे जो हो जाए। ठीक है, फिर यहीं रहो, मैं जा रही हूँ। शादी के 2 महीने भी रोजी अपने ससुराल में नहीं काट सकी और सब कुछ छोड़कर अपने मायके आ गई। सरला के लाख समझाने पर भी वह टस से मस नहीं हुई। फिर एक दिन, माँ एक खुशखबरी है, आप नानी बनने वाली हैं। सच? अरे वाह, बधाई हो बेटा, मैं बहुत खुश हूँ। सच में दामाद जी से मेरी बात करा? माँ वो मम्मी पापा को दिल्ली छोड़ने गए हैं, वहाँ कुछ जरूरी काम है, तो मम्मी पापा कुछ महीने वहीं रहेंगे। अच्छा, तो तू ऐसी हालत में अकेली रहेगी क्या? नहीं माँ, ये परसों तक वापस आ जाएंगे। नहीं बेटा, दामाद जी वैसे भी सारा दिन अपने काम में रहेंगे, अगर किसी को बुरा ना लगे तो क्या रोजी को भेज दूं तेरे पास? यहाँ तो सारा दिन बस फोन में लगी रहती है, मेरी एक नहीं सुनती। तेरे पास रहेगी तो कुछ अच्छा सीखेगी और तेरा ख्याल भी रख लेगी। अगर दीदी को कोई दिक्कत नहीं है तब ठीक है माँ। रोजी रितु के पास खुशी खुशी आ गई, क्योंकि असल में उसे तो यही चाहिए था। हालांकि वहाँ जाकर वो रितु का ध्यान रखने की बजाय अपनी ही दुनिया में मगन थी। राहुल जी, आज आप ऑफिस मत जाइए, मुझे इतने दिन हो गए यहाँ आए हुए, मुझे कानपुर तो घुमा दीजिए कम से कम। अब दीदी हम चलेंगे, पर इस वीक रुक जाइए, बस एक बार रितु का टेस्ट रिपोर्ट आ जाए, फिर तीनों चलेंगे। ये कैसे जाएगी? नहीं नहीं, ये जाएगी तो हमें हर वक्त इसी का ख्याल रखना पड़ेगा, फिर हम क्या घूमेंगे। इसे घर पर ही रहने दीजिए, बस हम दोनों चलते हैं। राहुल रोजी से बिना कुछ कहे ही वहाँ से चला गया। उसके जाते ही रितु ने रोजी से कहा, दीदी आप बुरा मत मानना, वो क्या है ना, ये मेरे बिना कहीं घूमने नहीं जाते, बस इसीलिए। तेरी संगत में राहुल भी गंवार जैसे हो गए क्या? चलो कोई बात नहीं, मैं अकेले घूम कर आ जाती हूँ। रोजी हर चीज में मनमानी ही करती थी, उसे हर चीज में रितु से बराबरी करनी थी, फिर चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। दीदी आपको ये ड्रेस कहाँ से मिली? तो क्या हुआ, मैंने तेरी अलमारी में देखी, मुझे अच्छी लगी तो मैंने पहन ली, अब इतना भी हक नहीं है क्या मेरा? अगर तुझे बुरा लगे तो साफ साफ बोल दे, मैं चेंज कर लेती हूँ। नहीं दीदी, अब पहन ही लिया है तो रहने दीजिए, पर कोशिश करना इसे पहनकर इनके सामने मत जाना, हो सकता है इन्हें बुरा लग जाए। अगर ऐसा है तो मैं चेंज कर लेती हूँ, वैसे भी ये मुझे थोड़ी टाइट हो रही है। अब तू ऐसा कर, राहुल को बोलकर मेरे लिए बिल्कुल ऐसी ड्रेस मंगवा दे, बस एक नंबर बड़ी होनी चाहिए। रोजी धीरे धीरे रितु के घर को अपना ही घर समझने लगी और बड़े ही आराम से हर चीज पर अपना हक भी जताने लगी। लेकिन इतना सब करके भी वह ना रितु की बराबरी कर पा रही थी और ना ही खुश रह पा रही थी। रितु देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। वाह, ये तो डायमंड है ना, पर इसकी क्या जरूरत थी, मेरे पास तो पहले से इतनी ज्वेलरी है। जरूरी हो या ना हो, मुझे तुम्हारे लिए गिफ्ट लाना अच्छा लगता है, ये तो जानती ही हो ना तुम। और वैसे भी बहुत जल्द तुम मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा अनमोल गिफ्ट देने वाली हो, जिसके सामने डायमंड रिंग तो कुछ भी नहीं है। रितु राहुल के गले लग जाती है और पास ही खड़े रोजी ये सब देखकर बुरी तरह जल भुन जाती है। कुछ ही दिनों में रितु के सास ससुर आ जाते हैं और रोजी अपनी माँ के बुलाने पर वहाँ से वापस चली जाती है। एक दिन, हेलो मामा जी, माँ की तबीयत रात से बहुत खराब हो रही है, मैंने फैमिली डॉक्टर को भी बुलाया, उन्होंने एडमिट करने को कहा है, आप प्लीज जल्दी आ जाएं। घबराना रोजी बेटा, मैं जल्दी आ रहा हूँ।
मामा जी और रोजी सरला को शहर से हॉस्पिटल में एडमिट करा देते हैं। दिन बीतते रहे पर सरला की तबीयत में कुछ खास सुधार नहीं आ रहा था। इसी बीच ऋतु और राहुल भी वहां आ जाते हैं। रोजी उन्हें रिसीव करने के लिए उस दिन घर पर ही रुक जाती है। तभी एक जूनियर डॉक्टर मामा जी से कहता है, सर अभी हमारे सीनियर डॉक्टर अमेरिका गए हैं, इसलिए आप यहाँ पड़ोस के गांव में डॉक्टर अतुल के पास चले जाएं। डॉक्टर अतुल गांव में प्रैक्टिस करते हैं पर वो बहुत एक्सपर्ट हैं। उनके अस्पताल में आधुनिक तकनीक की सारी सुविधा उपलब्ध है। मामा जी ने तुरंत सरला को डॉक्टर अतुल के हॉस्पिटल में शिफ्ट किया। वहाँ जाते ही सरला की तबीयत में सुधार आना शुरू हो जाता है और एक सप्ताह में सरला बिल्कुल ठीक होकर अपने घर आ जाती है। घर में सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। रोजी को अब अपनी गलती का एहसास होने लगता है। रोजी अपने कमरे में रोने लगती है। तभी ऋतु उसके पास आती है और कहती है, दीदी तुम क्यों रो रही हो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। कुछ मत कहो दीदी। नहीं मुझे अभी बोलने दे, वरना हो सकता है बाद में मैं इतनी हिम्मत न जुटा पाऊँ। मुझे माफ कर दे मेरी बहन, सच तो ये है कि मैंने हमेशा तुझे खुद से कम समझा, लेकिन जब तेरी शादी मुझसे बेहतर हुई तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। फिर मैं भी क्या करती, मुझे गांव की जिंदगी नहीं चाहिए थी, बल्कि मुझे तो तेरी जैसी शहर की आलीशान जिंदगी चाहिए थी। नहीं दीदी, तुम्हारी यही सोच तो गलत है। गांव हो या शहर, परिवार हर जगह अपना होता है। बस जरूरत है तो उसे सच्चे दिल से अपनाने की, और रही बात रहन सहन की तो उसे भी अपनी मेहनत और वक्त के साथ कभी भी बदल सकते हैं। बस हमारी सोच और नीयत साफ होनी चाहिए। रोजी को ऋतु की बात समझ आ गई थी। उस दिन पहली बार उसने ऋतु को एक बहन के नाते बड़े ही प्यार से गले लगाया। उसी वक्त उसने तय कर लिया कि अब उसे क्या करना है। रोजी वापस अपने ससुराल चली गई और अपने बिखरे रिश्तों को फिर से संजोगने लगी। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों फिर एक रोमांचक कहानी के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखें।